चलें। चलिए इधर देखिए, आज हम लोग लेंगे फुल एडर। लेकिन पहले फुल एडर में समझो, जनरली लोग कह देते हैं हाफ एडर में क्या, दो वन बीट नंबर को ऐड करने वाली सर्किट। फुल एडर में क्या कह देते हैं, तीन वन बीट नंबर को जोड़ने वाली सर्किट। नहीं, ये गलत कहना है। क्या कहते हैं यहां ध्यान से देखना। जैसे देखो, एक ये नंबर लिखा हमने, इसको ऐड अगर करने चलें, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, बीट नंबर जीरो। ये हो गई बीट नंबर वन, ये बीट नंबर टू, बीट नंबर थ्री और बीट नंबर चार, ये ना कहेंगे हम। अब दो नंबर है, जब आप जोड़ते हो तो आप क्या कहते हो, दो नंबर को जोड़े तो एक नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हो, एक को बी से। अब तुम इसको अगर इन नंबर को इसको अगर कहें तो ये भी बीट नंबर जीरो, बीट नंबर वन, बीट नंबर टू, बीट नंबर थ्री, बीट नंबर फोर। तो एक इनपुट ये हुआ, एक इनपुट ये, एक को इनपुट ए कहेंगे, एक को इनपुट बी। इसका मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बीट नंबर जीरो ए जीरो, बीट नंबर वन ए वन, बोलो ए टू और ए थ्री और ए फोर, ऐसे ही बोलेंगे ना भाई। बोलिए, इसका मतलब एक नंबर ये हुआ बी और ये ए, दोनों को जोड़ना है। ये कितने बीट का है, एक दो तीन चार पांच, ये भी पांच बीट का, दो इनपुट हो गए ए और बी, बी इनपुट भी पांच बीट का, ए इनपुट भी पांच बीट का। लेकिन हम क्या जोड़ने जा रहे हैं, यहां ध्यान देना। अगर ये जोड़े इस लाइन को देखो, इसका मतलब बी टू में क्या जोड़ रहे हैं, ए टू, बी टू में ए टू। इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हो, ए टू में जोड़ रहे हैं बी टू, तो ए टू कितना है जीरो है और बी टू कितना है वन। इसका मतलब दो ही ना नंबर आप जोड़ रहे हैं, और दोनों नंबर क्या है, वन बीट के। लेकिन इस मैथ को देखो, वन में अगर जीरो जोड़ें क्या होगा, वन, जीरो में वन जोड़ें वन, फिर वन में जीरो जोड़ें वन। इसका मतलब B2 और A2 को जोड़ेंगे तो वन होगा, होगा। एक चीज अगर यहां वन होती, यहां वन होती, तब B1 A1 को जोड़े होते तो वन वन जीरो और कैरी वन, कैरी वन आती। इसका मतलब अब इस दो वन बीट नंबर को जोड़ो तो तुम किसको जोड़ते, B2 को जोड़ते A2 के साथ, साथ में इस नंबर को जोड़ने के बाद जो कैरी आई थी उस कैरी को भी जोड़ते। तो कैसे जोड़ते, वन वन जीरो कैरी वन, जीरो जीरो जीरो, ऐसे जोड़ते ना हम लोग। तो इसका मतलब आप किसको जोड़ रहे हो, बी टू और ए टू को जोड़ रहे हो, साथ ही साथ बी टू के ठीक पहले बी वन और ए वन को जोड़ने पर जो कैरी आई है उसको भी। हाफ एडर में केवल बी टू और ए टू को जोड़ते हैं दो वन बीट नंबर को, फुल एडर में B2 को A2 के साथ जोड़ेंगे, लेकिन प्रीवियस बीट से आई हुई कैरी को जोड़ने का भी प्रोविजन होगा। मतलब फुल एडर एक ऐसी सर्किट हो गई जो कि दो वन बीट नंबर को जोड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ पिछली बीट से आई हुई, पिछली बीट को जोड़ने के बाद जो कैरी आई होगी उसको भी जोड़ने का प्रोविजन होगा। क्लियर। अगर यहां हम B2 और A2 को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, उसके ठीक पहले B1 और A1 से आई हुई कैरी, B1 को जब A1 से जोड़ेंगे तो जो कैरी आएगी उसको क्या कहेंगे, C1 कहेंगे। क्लियर। इसका मतलब किसको किसको जोड़ेंगे, B2 को जोड़ेंगे A2 के साथ और साथ में पिछले बीट से आई कैरी C1 को भी जोड़ेंगे। मतलब तीन चीजों को जोड़ेंगे, किसको, B2 को, A2 को और C1 को। तो B2 A2 को जोड़े, साथ ही साथ पिछले बीट को जोड़ने पर जो कैरी आई है उसको जोड़े। अगर B2 के बजाय हम इसको कह दें जीरो बीट नंबर जीरो, बीट नंबर एनवी बीट, क्या कहते हैं, एनवी बीट। अगर इसको एनवी बीट कह दें तो हम किसको जोड़ रहे हैं, एन को किसके साथ, बीएन के साथ। क्लियर। लेकिन साथ में एनवी बीट से ठीक पहले की जो बीट होगी उसको क्या कहेंगे, बीट नंबर एन माइनस वन। तो बीट नंबर एन माइनस वन को जोड़ने पर जो कैरी आई होगी उस कैरी को कहेंगे सी एन माइनस वन, कहेंगे। तो इन तीन को जोड़ेंगे। इसका मतलब जब हम इसके ट्रूथ टेबल पे चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, an, bn और cn माइनस वन। क्या मतलब हुआ, अगर an जीरो है और bn भी जीरो है, मतलब
एक नंबर की एनवी बीट जीरो है, दूसरे नंबर की भी एनवी बीट जीरो है, तो उसको जोड़ेंगे और इन दोनों के साथ क्या जोड़ेंगे, ठीक पहले की बीट से जो कैरी आई होगी, हो सकता है वह कैरी जीरो आई हो या वह कैरी हो सकता है वन आई हो, या तो जीरो आई होगी, एनवी बीट को जोड़ोगे, जोड़ोगे एनवी बीट को, लेकिन उस दो एनवी बीट के नंबर में पिछले बीट से आई हुई कैरी, तो हमको नहीं पता पिछले बीट से हो सकता है कैरी के रूप में जीरो आया हो या वन आया हो। इसका मतलब एनवी बीट, अगर एनवी बीट एन और बीएन दोनों जीरो हैं और पिछले बीट से आई हुई कैरी या तो जीरो हो या तो वन हो, तो जोड़ तो जीरो जीरो को रहे ना, एन भी जीरो बीएन भी जीरो, पिछले बीट से आई हुई कैरी सी एन माइनस वन या तो जीरो होगी या तो वन होगी, होगा। अब आगे बढ़ें, इसी चीज को आपको पकड़ लेना है ट्रुथ टेबल में। अब क्या होगा, इन दोनों नंबर को जब हम जोड़ेंगे ए एन बी एन को, तो दो चीजें होंगी, सम होगा और कैरी होगा। फिर से देखो, यहां एस एन और सी एन लिख दिए, यहां सी एन माइनस वन लिख दिए, केवल यही बात को पकड़ना है। क्या करें, हमने किसको, एनवी बीट को जोड़ा ए एन और बी एन को, क्लियर। अच्छा रुको, अगर हम इसको जोड़ेंगे बीट नंबर जीरो को तो क्या लिखेंगे, जो कैरी पैदा होगी सी जीरो, वन वाली बीट को जोड़ेंगे जो कैरी पैदा होगी सी वन लिखेंगे। तो यहां जब ए एन और बी एन को जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा ए एन और बी एन को जोड़ने पे, एनवी बीट को जोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा वह एस एन, और यहां से जो कैरी पैदा होगी सी एन होगी। इसका मतलब इन दोनों नंबर को जोड़े तो सम और कैरी, लेकिन इन दोनों नंबर में ठीक इसके पहले वाले रिजल्ट की कैरी, इसका मतलब किसकी कैरी, एन माइनस वनवी बीट को जोड़ने पर जो कैरी आई है वह। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, इसको इसको और पिछले बीट से आई हुई कैरी को, तो इसका सम मतलब एनवी बीट का सम और एनवी बीट क्या कैरी पैदा करेगी, इसलिए क्या होगा हमारा सीएन होगा। बोलिए इतनी बात समझ गए, बढ़े आगे। तब हम लोग हटा देते हैं इसको, अब पूरा बड़ा कर लेते तो एक बार मिट जाता, नहीं छोड़ो ना, अब इतना क्या करना, नहीं आता है तो नहीं आता है, कितना सीखने चले। अब रूपम सिखाएगी कुछ दिन बाद हमको। चलिए आप लोग बोलेंगे, अब तो उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए, ठीक। अब बढ़ें आगे, जनरली लोग कह देते हैं तीन बीट का नंबर जोड़ना, देखो जीरो 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 वन, लग रहा तीन बीट, हाँ तीन बीट है, लेकिन कैसा, दो एनवी बीट और तीसरी कौन है, ठीक उसके पीछे से आई हुई कैरी, वह कैरी जीरो भी हो सकती है वन भी। आइए और आगे चलें, अगला लें, किसको जोड़ें, जीरो और वन को, किसको हम लोग जोड़ रहे हैं, जीरो और वन को, जीरो और वन को। एनवी बीट क्या है, जीरो और वन, एनवी बीट क्या है, जीरो और वन, ठीक उसके पहले एन माइनस वनवी बीट से जो कैरी आई होगी, तो हमको क्या पता कि जीरो कैरी आई है या वन कैरी आई है, जोड़ तो जीरो वन को ही रहे हैं, कैरी जीरो आई, जीरो वन को जोड़ रहे हैं, कैरी हो सकता है क्या आ गई हो, जीरो, या हो सकता है कैरी वन आई हो। तो किसको किसको जोड़े, जीरो जीरो को, जीरो वन को, और उसके बाद कौन, वन जीरो को, वन जीरो को जोड़े, या तो कैरी जीरो आई होगी या तो कैरी वन, वन जीरो को ही जोड़ रहे, फिर वन वन को जोड़े, या तो कैरी जीरो आई होगी या तो वन आई होगी। और इसी को देखो क्रम से, लगता है तीन बीट का सिस्टमेटिक नंबर लिखा है, जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो इलेवन वन हंड्रेड एक सौ एक एक सौ दस एक सौ ग्यारह, तो नो डाउट लगता है कि तीन बीट के नंबर को जोड़ना, हाँ तीन बीट का नंबर जोड़ रहा, लेकिन कैसा तीन बीट का नंबर, कोई भी तीन बीट नहीं, दो एनवी बीट और पीछे से आई हुई कैरी। तो हाफ एडर में दो वन बीट के नंबर को जोड़ता था, लेकिन पीछे से आई हुई कैरी को जोड़ने का प्रोविजन नहीं था, और ये एक ऐसा एडर हो गया जो दो एनवी बीट के नंबर को जोड़ेगा और साथ में पीछे से आई हुई कैरी को भी जोड़ने का प्रोविजन है। अभी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा ट्रूथ टेबल किसका, फुल एडर का। डिजिटल में जब भी कोई सर्किट हमको डिजाइन करनी होगी तो पहले उसका ट्रूथ टेबल लिखेंगे, ट्रूथ टेबल हमको ये बताएगा कि हमको ऐसा इनपुट देने पर ऐसा आउटपुट चाहिए, उसके लिए क्या बनाएंगे, के मैप, और उसके लिए बनाएंगे सर्किट। चलिए जोड़ें, जीरो 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 को जोड़ें, सम जीरो, और इनको जोड़ने पर कोई कैरी पैदा नहीं होगी।
जीरो में जीरो जोड़े सम जीरो और जीरो वन वन, कोई कैरी पैदा नहीं हुई। जीरो वन जीरो सम वन, कोई कैरी पैदा नहीं हुई। जीरो में वन जोड़े वन, फिर वन में वन जोड़े सम जीरो, एक कैरी पैदा हो गई। वन में जीरो जोड़े जीरो, सॉरी वन में जीरो जोड़े वन, फिर वन में जीरो जोड़े वन, कोई कैरी पैदा नहीं हुई। वन में जीरो जोड़े वन, फिर वन में वन जोड़े जीरो और एक कैरी पैदा हो गई। वन वन जीरो, एक कैरी पैदा हो गई। वन वन जीरो, जीरो वन वन, तो वन वन जीरो, एक कैरी पैदा हुई, बन गया हमारा टूथ टेबल। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो गए हमारे, ये इनपुट बन गए एक तरह से। बोलो भाई, मतलब ऐसे तीन नंबर एक तरह से उसको मिलेंगे ना, और इन तीनों को जोड़कर वह सर्किट क्या दे, सम दे और कैरी दे। तो ये सर्किट भी क्या करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, सम और कैरी प्रोड्यूस करेगी। लेकिन कैसी, दो वन बीट नंबर को बीथ प्रीवियस बीट के कैरी को जोड़ने के प्रोविजन के साथ है ये, ठीक है। अब क्या बनाएंगे हम लोग, बोलो क्या बनाए, के मैप। जो के मैप बनाएंगे वह के मैप कितने वेरिएबल का होगा, तीन वेरिएबल का होगा। अच्छा, तीन वेरिएबल का होता था तो इनपुट क्या लिखते थे, ए बी सी, लेकिन यहां क्या लिखेंगे, ए एन बी एन सी एन माइनस वन लिखेंगे। किसके लिए बनाए, एस एन के लिए, बहुत स्लो चलना है। तो चलिए के मैप किसके लिए, फॉर एस एन, एस एन के लिए के मैप बनावे। कितने वेरिएबल का, तीन, तीन वेरिएबल का के मैप बनाते हैं। कितने डब्बे होते हैं, पहले ही बताए थे आठ, याद आया, कल भी कहे थे के मैप पढ़ के आना। चलिए बन गया, ऊपर क्या होगा, ए एन और बी एन, नीचे होगा सी एन माइनस वन, हो गया। पहले क्या लिखते थे, जीरो जीरो, मतलब दोनों पर बार, इसका मतलब यहां हो जाएगा ए एन पे बार और बी एन पे भी बार। जीरो जीरो के बाद जीरो वन, मतलब ए एन पे बार और बी एन, फिर वन वन ए एन बी एन, यहां क्या होगा ए एन बी एन पे बार, और यहां सी एन माइनस वन का दो मान, सी एन माइनस वन पे बार और सी एन माइनस वन। डब्बा नंबर जीरो, एक दो तीन, चौथा पांचवा बदल जाएगा, चार पांच छ सात। देखिए आज थोड़ा सा भी के मैप रिवीजन करके आए हैं तो चीज समझ में आएगी। इससे सिंपल था ना हाफ एडर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, रीजन रिकॉल नहीं कर रहे थे हम, ठीक है। अब क्या करें, भर दें। किसके लिए बना रहे हो, एस एन के लिए ना, तो किस लाइन को देखोगे, एस एन वाली लाइन को। डब्बा नंबर जीरो में जीरो है, डब्बा नंबर एक और दो में वन, एक दो में वन, तीन में जीरो, फिर चार में वन, आप देखो हमसे गलती हो सकती है, पांच और छह में जीरो, सात में वन। कोई पेयर बन रहा, कोई जोड़ा बन रहा, सब तिरछा तिरछी है। देखो तिरछा तिरछी हमने कहा था जोड़ा नहीं बनेगा, तो जोड़ा नहीं बनेगा तो क्या करोगे, सेपरेट सेपरेट सबके लिए लिखोगे। तो इसका मतलब अब इक्वेशन लिखें, एस एन बराबर, ठीक है। हमने पहले भी कहा कि नोट्स में हम लोग सिस्टमेटिक देखेंगे, लेकिन नोट्स में इस तरह से समझाना संभव नहीं होगा, क्योंकि लाइन वाइज लाइन लैंग्वेज लिखी रहेगी, अब बीच में हम समझाने चले तो कचड़ा हो जाएगा। तो आप पहले समझ लीजिए, वो डायरेक्ट हो जाएगा। एस एन बराबर, इसके लिए लिखें, हम किसी के लिए ना शुरू कर सकते हैं पहले, ऐसा थोड़ी कि हम इसके लिए लिखें तब इसके लिए तब इसके लिए तब, हम इसके लिए लिखें तब इसके लिए तब इसके लिए इसके लिए, सबके लिए लिखना है, अलग अलग अपने हिसाब से लिखें। चलिए इसके लिए बोलो, हम नहीं बोलेंगे आज। यहां देखो, ऊपर की ओर देखो, कॉलम देखो और रो देखो, ये किस कॉलम में है किस रो में है, तो ए एन बार बी एन बार, और इधर देखो सी एन माइनस वन, कोई बार नहीं, हो गया। चलो एक का कहानी खत्म, फिर प्लस का चिन्ह, दूसरे का इसका लिखो, ए एन बार बी एन सीएन माइनस वन पे बार, दो का लिख दिए, तीसरे का लिखें। अब बताओ क्या आप संभव है कि के मैप नहीं समझेंगे तो इसको हम कैसे याद करेंगे, फिर इसको याद करेंगे, तो एक ही टॉपिक तो एक सब्जेक्ट बन जाएगा वह, तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। चलिए दो का लिख दिए, तीसरे का लिखिए, ए एन बी एन सी एन माइनस वन, इसका लिखिए, ये बचा नहीं, ये बचा प्लस, हो गया सर्किट। अब आपकी बनने वाली है, कुछ नहीं, खत्म हो गई कहानी।
देखें, लेकिन सर्किट इस तरह से नहीं बनाएंगे, लेकिन हम आपको दोनों ही कंडीशन यहां बता रहे हैं और समझिए ठीक से। ये देखिए, इसको बोलो, इसको, इसको और इसको, इन चारों को क्या किया गया, जोड़ दिया गया है। हमने बताया था आपको एक और गेट होता है, होता है। अगर यहां पे ए बी सी तीन इनपुट हैं तो हम लिखेंगे वाई बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और यहां क्या लिखा है एस एन बराबर इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। इसका मतलब ये चारों क्या हैं, एक और गेट के इनपुट हैं। तो सर्किट कैसी बनेगी आपकी, एक और गेट बनाएंगे। बोलो बेटा, इसके चार इनपुट, एक दो तीन चार। पहला इनपुट कौन, ए एन बार, बी एन बार और सी एन माइनस वन। अब बाकी में नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ये सर्किट नहीं बनाने वाले, ठीक। सेकेंड का नाम लिखेंगे इतना, थर्ड का नाम इतना और फोर्थ का नाम इतना लिखेंगे। ध्यान से देखें, पहले वाले में तीनों का आपस में गुणा, दूसरे वाले में इन तीनों का गुणा, तीसरे में इन तीनों का और चौथे में इन तीनों का। तो किसका किसका गुणा है, देखो ध्यान से फिर कर रहे हैं, इसका, इसका और इसका गुणा है। मतलब क्या, एंड गेट ना गुणा का काम। इसका मतलब यहां क्या बनेगा, एक एंड गेट, और जो कि क्या करेगा, एक इनपुट ए एन बार, दूसरा बी एन बार और तीसरा सी एन माइनस वन। इसी तरह से इसके लिए भी यहां एक एंड गेट, तीन इनपुट, एक दो तीन, तीनों का गुणा होगा, फिर एक एंड गेट। बोलो, इसमें भी एंड गेट तीन इनपुट ये, और फिर इसमें भी एक एंड गेट तीन इनपुट। ये है बेटा हमारा एंड और रियलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, एंड और रियलाइजेशन। के मैप में भी पढ़ाए थे, मतलब पहले एंड गेट फिर और गेट है। लेकिन जनरली नैंड गेट हमारा एक यूनिवर्सल गेट होता है, नैंड गेट एक यूनिवर्सल। तो इसलिए जनरली जब हम सर्किट बनाने जाते हैं तो हम लोग नैंड नैंड रियलाइजेशन करते हैं। नैंड नैंड रियलाइजेशन का मतलब केवल नैंड गेट का यूज करके, केवल नैंड गेट का यूज करके। तो इसका मतलब इस तरह से सर्किट हम नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने इसको अधूरा बनाया। क्लियर, हटा दे रहे, केवल आपको एस एन का समझ जाओगे तो सी एन का तुम ही फटाफट बोलोगे, कहानी खत्म हो गई है। चलिए आओ जरा सर नैंड गेट को देखें। नैंड गेट में क्या होता है भाई, ये हमारा नैंड गेट है, ए बी और सी। क्या आउटपुट होगा हमारा, वाई बराबर, एंड रहता तो सबका गुणा, और नैंड है तो गुणा होके बार। तो इसका मतलब क्या लिखते, ए बी सी और तीनों का गुणा हो गया और उस पूरे पे बार है। क्लियर ये बात। इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन को नैंड से बना रहे हैं, केवल नैंड 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 है, तो केवल प्लस नहीं होना चाहिए, केवल गुणा का चिन्ह होना चाहिए। बोलो भाई, याद आ रहा, गुणा बेटा गलत बोल रहे हैं, मतलब नैंडेड ऑपरेशन होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी उसके लिए गुणा ही बोले, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, प्लस का चिन्ह है बीच में है, हमको क्या करना होगा, प्लस के चिन्ह को हटाना होगा, नहीं हटाना होगा। तो प्लस का चिन्ह कैसे हटेगा, हमारे पास एक थ्योरम थी, बोलिए, उस थ्योरम में क्या करते थे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, डी मॉर्गन्स थ्योरम, याद आया। इसका मतलब बेटा अगर इस प्लस के चिन्ह को बीच से हटाना है तो प्लस का चिन्ह मतलब ऑरेड एंडेड में बदल जाएगा, लेकिन कब बदल जाएगा, जब पूरे पे एक लाइन हो उसको सेपरेट सेपरेट पे कर दें, या सेपरेट सेपरेट पे बार हो पूरे पे कर दें। तो यहां पूरे पे कोई लाइन नहीं है, न सेपरेट सेपरेट पे लाइन है। तो क्या करना होगा, हमको एक जुगाड़ करना होगा कि एक काम करें, पूरे पे लाइन लेते हैं हमें और उसको तोड़ के सेपरेट सेपरेट पे कर दें। तो करने का जुगाड़ नहीं, तो काम करो, इस एस एन पे डबल बार कर दो, ए पे बार और फिर बार कर दो, तो वापस ये बन जाएगा। तो एस एन पे डबल बार, एस एन ही हो गया, कोई अंतर नहीं हुआ। तो इधर भी डबल बार कर दिए, तो इधर भी क्या कर सकते हैं, डबल बार कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम यहीं पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो एस एन पे क्या किए, डबल बार, तो इस पे भी क्या होगा, डबल बार। डबल बार क्या, पूरे पे ना हो, बीच में प्लस नहीं, ये पूरी लाइन है, एक साथ पूरी लाइन है, ठीक, लेकिन कितना, डबल बार ना। अब एस एन का डबल बार क्या बन गया, एस एन, ये जो बार है पूरे पे है। एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं, नहीं समझे बात को, फिर तुमको दिक्कत होगी बार बार। वही काम करेंगे, जगह बना लेते हैं, लेकिन इक्वेशन याद कैसे रहेगी,
अच्छा फिर से लिखवाओगे ना? लिख लें, चले फिर से दोबारा लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या बनी हमारी? Sn, Sn बराबर क्या आया हमारा? An बार Bn बार Cn माइनस वन, An बार Bn बार और Cn माइनस वन प्लस दूसरा क्या था हमारा? निकाल लो ना फिर से दोबारा, An बार Bn और Cn माइनस वन पे बार, An बार बी एन सी एन माइनस वन पे बार, इसी में घुसा दे रहे हैं प्लस तीसरा आओ, एक दो गया तीसरा ना, ए एन बी एन सी एन माइनस वन, ए एन बी एन सी एन माइनस वन प्लस अगला ए एन बी एन पे बार, ए एन बी एन पे बार और सी एन माइनस वन पे बार। अब तुम खुद सोच के देखो बेटा, क्या ये पॉसिबल है? कभी याद हो ना, कभी नहीं याद होगा ये। और समझोगे तो केवल बना के आपको लिखना है, केवल एक लाइन की डिफिनीशन हमको याद रखने के लिए चाहिए। क्या कर दिए? Sn पे डबल बार, तो इधर भी क्या करना होगा? डबल बार। जानते हैं ऐसे पूरा पूरा मान लो है डबल बार, क्या हो जाएगा? Sn पे डबल बार का मतलब Sn एक लाइन को रहने दो, ऊपर वाली लाइन को रहने दिए और नीचे वाली लाइन को तोड़ दिए। कैसा तोड़ दे? यहां तक फिर यहां तक, तो जब यहां तक रखेंगे फिर यहां तक, तो बीच का चिन्ह बदलेगा। तो चलिए रख दीजिए, पहले ये आया ए एन पे बार, बी एन पे बार और सी एन माइनस वन हो गया। अब देखो यहां क्या प्लस, तो बीच का चिन्ह बदल गया। फिर क्या होगा हमारा? ए एन पे बार, बी एन और सी एन माइनस वन पे बार और ये पूरे पे बार। फिर तीसरा चिन्ह बदल गया, अब क्या आया हमारा? ए एन बी एन और सी एन माइनस वन पे क्या चीज? बार। फिर चिन्ह बदल गया प्लस हुआ, अब क्या आ जाएगा? ए एन बी एन पे बार और सी एन माइनस वन पे भी बार, ये बना। अब देखिए काम आपका खत्म हो चुका है, कुछ नहीं करना है आपको। ध्यान से देखें, ऐसे ये हुआ एक, बोलो ये हुआ दो, ये तीन और ये चार, इन चारों का आपस में गुणा है तो एंड गेट। लेकिन क्या है? चारों का आपस में गुणा होकर ऊपर बार लगा है, मतलब नैंड गेट। इसका मतलब ये चारों किसके इनपुट हैं? नैंड गेट के। तो हम क्या करेंगे? एक नैंड गेट बनाएंगे। बना लिए? इस नैंड गेट का जो आउटपुट होगा दैट इज Sn। Sn बार कहां बेटा? Sn। और इस नैंड गेट के कितने? चार इनपुट, दो तीन और ये चार। पहला इनपुट ये हो गया। अब इस पहले इनपुट को ध्यान से देखें, जो हमारा फर्स्ट इनपुट है यहां पे, इसको देखें क्या दिख रहा है? एक दो और तीन, इन तीनों का आपस में गुणा करके बार है। तो गुणा करके बार है मतलब क्या हो गया? एक नैंड गेट। बोलिए किसका किसका गुणा? ए एन बार, बी एन बार और तीसरा सी एन माइनस वन। हो गया क्लियर? आइए उतारना नहीं है किसी को। यहां देखें, इसका 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 आपस में गुणा होकर ऊपर बार, इसका मतलब यहां भी क्या? एक नैंड गेट। कितने इनपुट? एक हो गया हमारा ए एन पे बार, बोलो दूसरा डायरेक्ट हो गया बी एन और तीसरा हो गया सी एन माइनस वन पे बार, खत्म। फिर देखें, इसका 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 आपस में गुणा, गुणा होके ऊपर बार, मतलब अगेन एक नैंड गेट। एक इनपुट हो गया ए एन, बोलिए दूसरा हो गया बी एन और तीसरा हो गया सी एन माइनस वन, हो गया। फिर चौथा देखें, इसका 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 तीनों का आपस में गुणा होके ऊपर बार है, मतलब फिर नैंड गेट और कितने इनपुट? तीन इनपुट। पहला हो गया हमारा ए एन, दूसरा हो गया बी एन पे बार और अगला हो गया सी एन माइनस वन पे बार, क्लियर। अब क्या होगा हमारे पास? अगर ट्रूथ टेबल को देखें तो इनपुट तो तीन है, ए एन बी एन और सी एन माइनस वन, ठीक। आप एग्जाम में इतना ही बनाएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या होगा। तो तीन इनपुट हो गए, कौन कौन हमारे? ए एन नहीं बनाएंगे एग्जाम में, बी एन और सी एन माइनस वन।
तीन इनपुट हमने ले लिया, ए एन बी एन और सी एन माइनस। यहां देखो ए एन बार भी मौजूद है, इसका मतलब क्या करें, इसमें एक क्या लगा दें, नॉट गेट। तो ये नॉट गेट के बाद क्या देगा, ए एन बार यहां भी लगा दें, नॉट गेट के बाद क्या देगा, बी एन बार यहां भी लगा दें, नॉट गेट के बाद सी एन माइनस। अब ए एन बार को कहां जोड़ दें, यहां, बी एन बार को कहां जोड़ दें, यहां, और सी एन माइनस वन को डायरेक्ट यहां। उसी तरह से सिमिलरली ए एन बार है तो ए एन, मतलब जिसको जिसमें जोड़ना है वह जोड़ दें। ये तीन इनपुट ए एन बी एन सी एन क्या होंगे, जीरो 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 वन, ऐसे होंगे तो ऑटोमेटिक ये इसका सम देगा। लेकिन अब क्या होगा, याद करो कल के टॉपिक को, सम वाली सर्किट को भी इससे जोड़े और कैरी वाली सर्किट को भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको ये ए एन बी एन सी एन, ए एन बार बी एन बार सी एन बार दिखाएंगे, जिसको जिससे जोड़ना है वह दिखाएंगे, फिर कैरी वाली बनाएंगे, फिर उसको जोड़ के दिखाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं ऑटोमेटिक ये छोड़ दिए हम कि ये हमारी किसकी सर्किट बन गई, सम प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर, बात समझे, अब किसके लिए बना दें हम, इसलिए जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब किसके लिए बनाएं, कैरी के लिए बनाएं। आइए कैरी के लिए देखें, अगर कैरी की बात करें हम लोग तो क्या होगा हमारा, जल्दी बोलो, इनपुट तो वही ए एन बी एन सी एन माइनस वन, तीन इनपुट का वही के मैप, तीन इनपुट का वही के मैप, क्योंकि कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल, कौन कौन, ए एन बी एन और सी एन, तो कितना, आठ का डब्बा बनेगा, तीन वेरिएबल वाला बन गया, डब्बा नंबर जैसे रहता था वैसे रहेगा, लेकिन इस बार किसके लिए रहेगा, फॉर सी एन। ये हुआ आउटपुट हमारा, हुआ। अब के मैप को भरें, डब्बा नंबर जीरो में जीरो, एक में भी जीरो, दो में भी जीरो, कहां भराएगा, डब्बा नंबर तीन में वन भराया, चार में जीरो, और फिर कहां, पांच छह सात लगातार वन, पांच छह सात लगातार वन। क्लियर, अब यहां पे क्या इक्वेशन लिखाएगी, सी एन बराबर ना, यहां पे देखिए ये वन एक जगह है, इसका मतलब इनका जोड़ा, इनका पेयर बन सकता है, क्या चार का बन सकता है, नहीं, कितने का बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा दो का, ज्यादा से ज्यादा दो का। तो चलिए पेयर बनाइए, प्रिया बेटा बोल बाबू, ये भी दो बना रहा, ये भी दो बना रहा, ये भी दो बना रहा, तो कोई भी दो ले सकते हैं ना, हमारी मर्जी। चलो हमने ये दो ले लिया, ले लिया, किसके पर विचार करना है, बचे वाले पे ना, बचे वाले पे ना, तो बचा कौन, ये, तो क्या ये अकेला रहेगा, नहीं, बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाने के लिए दूसरे पेयर में इसकी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, तो इसका मतलब ये एक का बनाने के बजाय ये दो का बना लिया, बना लिया। फिर कौन बचा, ध्यान से देखिए कौन बच गया, एक और बच रहा है अभी, कौन, फाइव वाला, ये भी अकेला बनाने के बजाय दो का बना लेगा, बन गया। अब इक्वेशन लिखें, पेयर बन चुका है, चलिए पहले इसके लिए लिखो, इसके लिए ऊपर क्या है, ए एन और बी एन, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, तो केवल ए एन बी एन बना। फिर एक का लिखे तो प्लस, इस ग्रुप का लिख दिए थे तुम, इस ग्रुप के बाद अगले ग्रुप का लिखो, अगले ग्रुप का चलो इसका लिखते हैं हम लोग, ये है, तो इन दोनों में क्या कॉमन, ए एन बार बी एन, ए एन और बी एन, बी एन कॉमन है, बोलिए, और इधर से इस लाइन में मौजूद है सी एन माइनस वन प्लस। अब तीसरा बचा कौन वाला, ये वाला बचा ना, ये इसमें देखें, इसमें और इसमें है, क्या कॉमन हुआ, ए एन हुआ, और किस लाइन में है, सी एन माइनस वन हुआ। कैसे रटेंगे भाई हम, के मैप नेसेसरी है ना, अगर के मैप आता है आपको तो सिस्टमेटिक करते जाइए आप, अपने आप आपका किताब से भी बड़ा पोथा तैयार होगा। बोले अब लिखेंगे क्या, लिखने के लिए तो क्या करता है, ये दो वन बीट नंबर को जोड़ता है, बिट कैरी फ्रॉम प्रीवियस बिट, यही ना है, कुल मिला के तीन हो जाता है। उसके बाद क्या करोगे, ट्रूथ टेबल ऑफ फुल एडर इज गिवन बिलो, के एम आई पी इज गिवन बिलो, सर्किट गिवन बिलो, यही ना हो गई हमारी। बोलिए बात समझ में आई, आइए कैसे बनेगा ये, इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ा गया है, मतलब एक और गेट, और गेट के कितने इनपुट, तीन, पहला इनपुट हो गया ए एन बी एन बोलो, दूसरा हो गया बी एन और सी एन माइनस वन, और तीसरा हो गया ए एन सी एन माइनस वन। यहां ध्यान देखो ए एन और बी एन का गुणा है, मतलब एक एंड गेट, दो इनपुट ए एन और बी एन, लेकिन ये कौन सा रियलाइजेशन हो गया, एंड और रियलाइजेशन, हम कौन सा करेंगे, नैंड नैंड,
नैंड नैंड करना मतलब सब गुणा होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे भी डबल बार और इस पूरी लाइन पर भी डबल बार। देखो ये छोड़ा थोड़ा छोटा हो गया, सी एन बार का मतलब सी एन हो गया, एक लाइन रहने देंगे और दूसरी लाइन को यहां से तोड़ देंगे, तो यहां तक लाइन हुई तो क्या बन गया हमारा ए एन बी एन, बीच का चिन्ह बदल गया, बोलो बी एन और सी एन माइनस वन बार हो गया, फिर बीच का चिन्ह बदल गया ए एन और सी एन माइनस वन पे बार हो गया। अब देखें कहानी खत्म हो गई, सर्किट बनानी है हमको, बना सकते हो? देखो इसका इसका और इसका तीनों का आपस में गुणा होके ऊपर बार है, तीनों का आपस में गुणा होके ऊपर बार है, हमारा ये खाली हो गया, कोई मतलब नहीं इसका। चलिए तो तीनों का गुणा होके बार ऐसा किसमें होता है, नैंड गेट में। नैंड गेट क्या करता है, अपने इनपुट को गुणा करके ऊपर बार, एंड गेट रहता तो केवल गुणा होता। तो चलिए इसका मतलब तीनों का गुणा हुआ, इसका मतलब कौन सा हो गया, एक नैंड गेट। नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वह सीएन होगा। चलिए कितने इनपुट हैं ध्यान से देख के बताओ हमको, तीन इनपुट है, एक दो तीन। पहले इनपुट पे आओ, ए एन गुणे बी एन, ए एन गुणे बी एन, पहले तो इनका इनका पहले ये मान लिख लो ना, तो यहां क्या मिल रहा है हमको, ए एन बी एन और पूरे पे बार, पूरे पे बार मिल रहा है, मिला। दूसरा क्या मिल रहा है हमको, बी एन और सी एन माइनस वन पे बार। तीसरे पे क्या मिल रहा है देख के बताना, हम नहीं देख रहे हैं, ए एन सी एन माइनस वन पे बार। अब यही तुम सोचो ना भाई, अगर यहां तीन इनपुट मिलता है ए बी सी, तो नैंड गेट क्या करता है, ए बी सी का गुणा करके बार। अब ये तीन इनपुट ऐसा ऐसा मिल रहा है, तो इन तीनों का आपस में गुणा करके ऊपर बार हो गया। अब आइए उल्टा, यहां क्या देख रहे हो, देखो जल्दी से प्रिया देख बेटी, ए एन का बी एन में गुणा होके ऊपर बार है, इसका मतलब अगेन एक नैंड गेट, इस नैंड गेट के दो इनपुट एक ए एन और एक बी एन। अब उल्टा सोचिए, अगर ये एंड गेट होता, यहां ए एन बी एन होता, तो यहां रिजल्ट क्या मिलता है, ए एन बी एन। नैंड गेट है तो दोनों का गुणा करके ऊपर बार देगा, हो गया। फिर देखिए यहां पे क्या देख रहे हैं, दो इनपुट और दोनों का गुणा होके ऊपर बार, मतलब अगेन एक नैंड गेट, कितने इनपुट दो, एक बी एन और दूसरा सी एन माइनस वन। कहोगे बार कहां चला गया, अरे नैंड गेट है, नैंड गेट क्या करेगा, दोनों का गुणा करके बार लगा देगा। और तीसरा देखें फिर से, अगेन नैंड गेट, कितने इनपुट, एक ए एन और दूसरा सी एन माइनस वन, हो गया। ये किसके लिए बन गया, सी एन बना। अब समस्या है, तुम कहते जैसे हाफ एडर में जोड़ दिए थे, जोड़िए, तो हमको क्या करना पड़ता, हमको करना पड़ता एक ए एन बनाते, बोलो एक बी एन बनाते और एक सी एन। लेकिन एक सर्किट को देखिए, किसी किसी को ए एन बार की जरूरत है ना, तो नॉट गेट लगा देते तो ये क्या दे देता, ए एन बार, फिर यहां नॉट गेट लगा देते तो ये क्या देता, बी एन बार, और फिर नॉट गेट लगाते तो ये क्या देता, सी एन बार देता, हो गया। अब इसको ले जाके ए एन से जोड़ते, इसको बी एन से, इसको भी बी एन से, और इसको सी एन माइनस वन से, और इसको ए एन से, और इसको सी एन माइनस वन से जोड़ते, क्या देता, कैरी देता। लेकिन जो अगली सर्किट एस एन वाली बनी थी, इसको क्या करते, ए एन बार से, इसको बी एन बार से, तो बताओ ये सर्किट और ये सर्किट बनाते, दोनों सर्किट बनाते और यहां ए एन बी एन बार निकालते, फिर इनको और इनको ले जाके आपस में जोड़ते, बड़ा सा कचरा तैयार हो जाता। तो यहां पे ये अंडरस्टूड हो गया कि ए एन बी एन सी एन हमारे इनपुट होंगे, तो नॉट गेट लगाने के बाद ए एन बार बी एन बार सी एन माइनस वन बार मिलेगा, इसको उससे जोड़ दें, दे दें, और इनपुट जैसे जैसे बदलेगा इनके ऑटोमेटिक आउटपुट बदलेंगे, मतलब ये सम और कैरी प्रोड्यूस करेगा। बोलिए बात समझ में आई। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, हाफ सब्सट्रैक्टर और फुल सब्सट्रैक्टर, ठीक है। लेकिन नहीं, यहां पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जाएंगे, कभी कभी ये भी पूछ देता है, दो हाफ एडर मिला